अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल है और आज हम सिंगर प्लस के मार रोड के शोरूम पर मौजूद हैं, मार रोड लाहौर के। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ये चेंगहोंग रूबा की एक एंड्रॉयड LED है, 87KI सीरीज़ है और 50 इंच का साइज़ है। 87KI इसका मॉडल नंबर है। इसमें जो मेन फीचर्स हैं, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। मेन फीचर्स के साथ साथ इसके रिमोट को कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन से फ़ीचर्स हैं, गूगल असिस्टेंट को यूज़ कैसे करना है, गूगल प्ले पे कैसे जाना है, यूट्यूब कैसे यूज़ करना है, आपने जो सेटिंग्स हैं इस TV की वो कैसे करनी है, ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहले बात करते हैं जी मेन फ़ीचर्स की 87KI सीरीज़ की। ये बड़ी कॉम्पैक्ट सीरीज़ है चेंगहोंग रूबा की। फुल स्क्रीन में है, AI है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फुल स्क्रीन TV है, बेजल फ्री है, बेजल लेस है। फुल स्क्रीन के साथ साथ, क्योंकि फुल स्क्रीन है तो इसका बड़ा गॉर्जियस और एलिगेंट किस्म का लुक आता है। इसका जो साउंड बार है नीचे, वो गोल्डन कलर का और बड़ा स्लीक सा, बड़ा डिसेंट सा इन्होंने साउंड बार दिया हुआ है। आपको वाइडर एंगल मिलता है पिक्चर के लिए, और वाइडर एंगल के साथ साथ इसमें Dolby VN भी है। Dolby VN के साथ इसमें HDR10 का ऑप्शन दिया हुआ है, कलर मैक्सिमाइजेशन के लिए, एनहांसमेंट के लिए। Dolby ऑडियो है, Dolby ऑडियो के साथ साथ इसमें आपको एंटरटेनमेंट हब मिलता है। 4000 प्लस ऐप्स हैं इसके अंदर, और 4000 ऐप्स यूज़ करने के लिए एंड्रॉयड 9.0 का जो इसमें वर्जन है वो मौजूद है। गूगल असिस्टेंट है, आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हुए ये TV यूज़ करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आप कोई भी चीज़ रिमोट के साथ, रिमोट को पेयर करके TV के साथ कुछ भी बोलें और वो आप अपनी मर्ज़ी से इस TV पर देख सकते हैं, जो भी देखना चाहें। और इसका जो एकोसिस्टम है गूगल का, वो आपको पता है बहुत अच्छा है। इसमें क्रोमकास्ट जो स्क्रीन शेयरिंग के लिए एक ऐप है, वो बिल्ट इन दी हुई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें जितने ऑप्शंस होने चाहिए वो सारे ही मौजूद हैं। तो मैं कहूँगा बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की सीरीज़ है। 32 इंच से लेकर 65 इंच तक इसमें सारे साइज़ मौजूद हैं। ये एक डिटेल में एक समरी मैंने दी है, जो ऑप्शंस, जो फीचर्स इसमें मौजूद है। अब हम देखते हैं जी कि इस LED को हमने ऑपरेट कैसे करना है। सबसे पहले तो ये इसका रिमोट है जी, बहुत खूबसूरत सा रिमोट है। इसके ऊपर ये जो दरमियान में आपको, जिसके ऊपर ब्लू, येलो एंड रेड कलर के दायरे बने हुए हैं, ये गूगल असिस्टेंट का बटन है। गूगल असिस्टेंट यूज़ करने के लिए एरो का बटन और वॉल्यूम डाउन का इकट्ठे आप दोनों प्रेस करेंगे। ये जब दोनों इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपका जो TV है, TV और रिमोट ये पेयर हो जाएंगे। वंस पेयर्ड तो TV के ऊपर आपको रिमोट पेयर्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने वो जो गूगल असिस्टेंट का बटन है, ये जो अभी प्रेस किया मैंने, इसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं वो आप बोलिए, और बोलने के बाद आपका TV आपको वो सर्च करके देगा। जैसे मैंने अभी YouTube बोला तो इसने मुझे YouTube सर्च करके दिया। ये बटन ऐप सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, जिस पे स्क्वायर बने हुए हैं। ये देखिए सारी ऐप्स आपके सामने TV स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई हैं। अगर आप कोई भी सोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, TV कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई HDMI वगैरह कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सोर्स का बटन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सोर्स के साथ साथ अभी मैंने ये फिर होम का बटन सेलेक्ट किया। सेटिंग्स के लिए सिंपल है जी, ये देखिए ये सेटिंग्स का बटन है। आप कोई भी सेटिंग करना चाह रहे हैं TV की, सिंपल इस बटन को प्रेस कीजिए और अपनी रिक्वायर्ड सेटिंग को यहाँ आप कर सकते हैं। कोई भी TV के ऑप्शंस आप यूज़ करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले मोड सेट करना, स्पीकर्स, पावर, कुछ भी, ये बटन प्रेस कीजिए और अपनी रिक्वायर्ड सेटिंग कीजिए। 95,000 रुपीज़ प्राइस रखी है जी ब्रांड ने इसकी। जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ी खूबसूरत सी इसकी साउंड बार है। आप देखिए गोल्डन कलर की इसकी एक डिसेंट किस्म की साउंड बार है। जो मैंने बात की थी फुल स्क्रीन TV होने की, मैं आपको पहले दूसरा TV दिखाता हूँ। ये देखिए इसका बेजल कितना चौड़ा है, कितना मोटा इसका बेजल है। जब हम अपने 87KI सीरीज़ पर आते हैं तो इसका देखें, आपको बेजल नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत डिसेंट किस्म का बड़ा बारीक सा बेजल है। होपफुली मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल में बताई हैं। अगर फिर भी अगर किसी को मसला है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उन चीज़ों को एलैबोरेट कर सकूँ, आपको बता सकूँ। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जो मेरी ये वीडियो है,
ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।